टी20 वर्ल्ड कप में भी नंबर वन है किंग कोहली। रन बनाने के मामले में एशियाई खिलाड़ियों की ही चली। टॉप 10 स्कोरर में भी नहीं है पाक किंग बाबर आजम का नाम। बड़े मंच पर रहे रन बनाने में हमेशा ही नाकाम। आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी कोहली का बजेगा डंका। आईपीएल में बल्ले से लगाई थी विरोधियों की लंका। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 टूर्नामेंट का खुमार तो खत्म हुआ। जल्दी 2 जून से टी20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट का फीवर शुरू होने वाला है। लिहाजा सभी टीमों ने कमर भी कस ली है और अपनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। वहीं रोहित के लड़ाके भी इस बार मैदानी जंग के लिए तैयार हैं, जिनमें विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन जैसे लड़ाके बल्लेबाजी में वार करेंगे, तो बुमराह और सिराज की धार विरोधी बल्लेबाजों पर गेंदबाजी में वार करने को तैयार है। अगर टी20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि यहां बल्लेबाजी में एशियाई खिलाड़ियों का जलवा रहा है। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जहां वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को छोड़ दें तो बाकी के चार बल्लेबाज एशियाई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसमें पाकिस्तान टीम का कोई धाकड़ नहीं है। वहीं अगर बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर वन पर हमारे किंग कोहली है। आज हम आपको पांच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन है। नंबर वन, विराट कोहली। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टीम इंडिया के विराट कोहली नंबर वन पर काबिज हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में 27 मैच खेले। इन 27 मैचों में उन्हें 25 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। 25 पारियों में कोहली ने 131.30 की स्ट्राइक रेट से 1,141 रन बनाए हैं, जिसमें 14 अर्धशतक शामिल हैं। टी20 वर्ल्ड कप के 8वें एडिशन तक विराट कोहली ने 103 चौके और 28 छक्के लगाए हैं। नंबर दो, महिला जयवर्धने। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई बल्लेबाज महिला जयवर्धने का नाम है। महिला जयवर्धने ने आखिरी टी20 वर्ल्ड कप साल 2014 में खेला था। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 31 मैच खेले। इन 31 मैचों में जयवर्धने ने 134.74 की स्ट्राइक रेट से 1,016 रन बनाए हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 6 अर्धशतक और 1 शतक लगाया। जयवर्धने ने इस टूर्नामेंट में 111 चौके और 25 छक्के लगाए हैं। नंबर तीन, क्रिस गेल। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज की तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम शामिल है। गेल टॉप 5 में ऐसे बल्लेबाज हैं जो एशियाई नहीं हैं। क्रिस गेल ने आखिरी बार साल 2021 में टी20 वर्ल्ड कप खेला था। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 33 मैचों की 31 पारियां खेली। इन 31 पारियों में गेल ने 142.75 की स्ट्राइक रेट से 965 रन बनाए, जिसमें 7 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं। क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप में 78 चौके और 63 छक्के जड़े। नंबर चार, रोहित शर्मा। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा शामिल हैं। रोहित शर्मा ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेले। रोहित ने 39 मैचों में 36 पारियां खेली। इन 36 पारियों में उन्होंने 127.88 की स्ट्राइक रेट से 963 रन बनाए, इसमें 9 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक रोहित शर्मा ने 91 चौके और 35 छक्के लगाए हैं। नंबर पाँच, तिलक रत्न दिलशान। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर श्रीलंकाई ओपनर तिलक रत्न दिलशान का नाम शामिल है। तिलक रत्न दिलशान ने अपना आखिरी टी20 वर्ल्ड कप 2016 में खेला था। दिलशान ने 35 टी20 वर्ल्ड कप मैचों में 34 पारियां खेली। इन 34 पारियों में उन्होंने 124.06 की स्ट्राइक रेट से 897 रन बनाए हैं, इसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। तिलक रत्न दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप में 101 चौके और 20 छक्के लगाए हैं। टॉप 5 ही नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के इसमें टॉप 10 में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का नाम नहीं आता। वहीं अगर बाबर आजम की बात करें तो उनके भी रन ज़्यादा नहीं हैं। वैसे भी बड़े मंच पर बाबर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, बावजूद इसके उनकी तुलना हमेशा ही किंग कोहली से की जाती है, जो कि हैरान करने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी फैंस ऐसा लगता है कि किसी आंकड़े के मोहताज नहीं, बस एक बार उन्होंने बाबर को किंग मान लिया तो उनके आगे कोई भी खिलाड़ी हो उन्हें फीका ही नजर आता है। अब हम पाकिस्तानी फैंस के लिए ही टी20 वर्ल्ड कप में बाबर के आंकड़ों को भी दिखाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने अब तक 13 इनिंग्स में ओपनिंग करते हुए कुल 427 रन बनाए। इस दौरान उनका एवरेज 35.58 का रहा और स्ट्राइक रेट 114.48 की। उनके बल्ले से कुल 550 निकले। ये तो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बाबर आजम के आंकड़े, जो उनकी हालत बयां करने के लिए काफी है।
स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो किसी लिहाज से टी20 क्रिकेट का तो नहीं है। वहीं इस बार विराट कोहली आईपीएल में शानदार लय में दिखे और पूरी उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में भी उनका बल्ला जमकर गरजेगा और विरोधियों को पस्त करेगा। पाकिस्तानी टीम तो अभी से टीम इंडिया को ललकार रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो कोहली से सावधान हो जाए, क्योंकि अगर कोई टी20 वर्ल्ड कप का इकलौता किंग है तो वो है विराट कोहली। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।